नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप जांगिड़ एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर कुलदीप जांगिड़ होम्योपैथी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे गोइटर के बारे में, जिसे गलगंड या घेंगा भी कहते हैं। आपने अक्सर देखा होगा दोस्तों कि कुछ लोगों के गले में यहाँ पर सूजन आ जाती है और सूजन को ही गलगंड या घेंगा कहते हैं। यह जनरली पेनलेस होती है और इसके अंदर आपकी जो थायराइड ग्लैंड होती है उसके अंदर आपको स्वेलिंग आ जाती है। तो दोस्तों, आपकी थायराइड ग्लैंड जो होती है वो गले में यहाँ पर कंठ के नीचे, यहाँ पे जिसको एडम्स एप्पल बोलते हैं, इसके नीचे यहाँ पर एक तितली के आकार की छोटी सी ग्रंथि होती है, जिसका काम होता है मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना, जिसके दौरान आपका जो भी भोजन लेते हैं, जो भी हम खाना खाते हैं, उसको एनर्जी में कन्वर्जन होता है उसका, और उसके साथ साथ आपकी जो हार्ट रेट होती है, आपके बॉडी टेम्परेचर होता है, उसको वो कंट्रोल करता है। और जब इसमें इस तरह की जब दिक्कत आती है, कोई गोइटर या आपके गले में जब थायराइड ग्लैंड में सूजन आ जाती है, तो उससे आपके थायराइड के जो फंक्शनिंग होती है उस पर भी इसका असर देखने को मिलता है। दोस्तों, जो गोइटर होते हैं यह किसी में भी देखने को मिल सकता है, पुरुष हो चाहे महिला, लेकिन यह अक्सर देखा गया है कि महिलाओं में इसको ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके साथ साथ यह हाइपोथायरॉयडिज्म या हाइपरथायरॉयडिज्म, किसी भी कंडीशन में यह गोइटर आपको गले में बन सकता है। यह किसी भी आकार का हो सकता है, छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों इसके सिम्टम्स की या इसके साइंस की, तो कौन कौन से ऐसे संकेत होते हैं जो आपकी बॉडी देती है अगर आपको गले में आपको गोइटर बन गया। तो सबसे पहला जो देखने से आपको पता चलेगा वो होगा, आपको गले में अगर आपको इस तरह की सूजन है, आपको गले में यहाँ पर आपको स्वेलिंग दिखती है, तो इसका मतलब आपको गोइटर हो सकता है। इसके साथ साथ क्योंकि हमारे गले में यहाँ पर एक भोजन नली भी होती है, सांस नली भी होती है, जब गोइटर का आकार बढ़ता है तो यह पीछे भोजन नली और हमारे सांस की जो नली होती है उसको वो कंप्रेस करती है, जिसके कारण आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, आपको निगलने में दिक्कत हो सकती है, निगलने में भी परेशानी का आपको सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ में आपको कफिंग हो सकता है, बार बार खांसी आ सकती है। आपको अगर आपको हाइपोथायरॉयडिज्म या हाइपरथायरॉयडिज्म है तो आपको हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म के अलग अलग आपको सिम्टम देखने को मिल सकते हैं, जैसे आपके वजन में बदलाव होना, आपके बालों का गिरना, इसके साथ साथ आपकी हार्ट रेट को इसमें असर डालती है, हार्ट रेट कम या ज़्यादा होना, यह कुछ सिम्टम होते हैं जो देखने को मिलते हैं। इसके साथ में कई दफ़ा ये भी देखने को मिलता है कि जिन लोगों को गोइटर की शिकायत होती है उनमें उनका जो आवाज़ होती है उसमें आवाज़ में भारीपन आ जाता है, हॉरेसनेस आ जाती है, ऐसा लगता है जैसे उनका गला बैठा हुआ है। दोस्तों, यह हो गए इसके कुछ साइन और सिम्टम अगर आपको गोइटर या घेंगा है। तो अब हम बात करते हैं इसके कारणों की, किन कारणों की वजह से आपको गोइटर या इस तरह की जो कंडीशन है जिसको घेंगा बोलते हैं वो डेवलप होता है। इसमें जो सबसे पहला और जो सबसे मुख्य कारण होता है वो होता है आपके खाने में आयोडीन की कमी। थायराइड हार्मोन को बनाने के लिए आयोडीन का होना बहुत ज़रूरी है, और जब आपके खाने में आयोडीन की कमी होती है, जो कि अक्सर जो ऊंचाई पर रहने वाले लोग हैं उनमें अक्सर ये देखने को मिलता है, तो ऐसे लोगों में गोइटर होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि उनमें जब थायराइड ग्लैंड को प्रॉपरली थायराइड हार्मोन बनाने के लिए जब आयोडीन नहीं मिलता है तो थायराइड ग्लैंड को एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है, और उसके ओवर एक्टिव होने की वजह से वहाँ पर आपको जो थायराइड ग्लैंड होती है उनमें स्वेलिंग आ जाती है और वहाँ पर उनको गोइटर बन जाता है। यह इसका एक मुख्य कारण होता है आयोडीन की कमी। 90% केसेस में यही देखा गया है कि आयोडीन की कमी थी जिसके कारण उनको गोइटर हो गया। उस कंडीशन में ऐसी जगह पर रहने वाले लोगों में वहाँ पर खाने में उनको आयोडीन दिया जाता है, स्पेशली इसके लिए नमक में आयोडीन मिक्स करके दिया जाता है। अगला जो कारण होता है वो होता है ग्रेव डिजीज। ग्रेव डिजीज में क्या होता है कि आपकी जो बॉडी की इम्यून सिस्टम की जो एंटीबॉडी होगी वह आपकी थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करती है। स्टिमुलेट करने की वजह से आपका थायराइड हार्मोन बहुत ज़्यादा सिक्रेशन होता है, और वह ओवर एक्टिव जब थायराइड ग्लैंड हो जाती है तो बहुत ज़्यादा जब उसको काम करना पड़ता है, जिसके कारण उसके अंदर एक उसका स्वेलिंग आ जाती है और उसमें गोइटर बन जाता है आपको। तो जो ग्रेव डिजीज होती है वो एक बड़ा कारण होता है आपको थायराइड में आपको स्वेलिंग का या गोइटर बनने का। ऐसी कंडीशन अक्सर हाइपरथायरॉयडिज्म जो कंडीशन होती है उसके साथ देखने को मिलती है। इसके बाद में जो अगला कारण होता है वो होता है होशिमोटो डिजीज। होशिमोटो डिजीज में क्या होगा कि आपकी जो बॉडी की इम्यून सिस्टम की जो एंटीबॉडी होती है वह आपकी थायराइड ग्लैंड को सप्रेस कर देती है, उसके फंक्शंस को, उसको उसके जो काम नॉर्मल जो फंक्शनिंग होती है उसमें रुकावट करती है, जिसके कारण वो प्रॉपरली थायराइड हार्मोन नहीं बना पाती है, और उस कंडीशन में आपको हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है। हाइपोथायरॉयडिज्म में आपके थायराइड हार्मोन प्रॉपरली नहीं बनेंगे, जिसके कारण आपको जो ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड होती है जो कि जिसका काम होता है थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करना, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा थायराइड हार्मोन का सिक्रेशन कर पाए, इस कंडीशन में TSH का लेवल जब ज़्यादा बढ़ता है और वो थायराइड ग्लैंड को बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट करती है कि वो थायराइड हार्मोन बनाए, इस कंडीशन में जब ओवर स्टिमुलेशन होता है थायराइड ग्लैंड का, तो उस कंडीशन में भी आपको
जो थायराइड ग्लैंड होती है उसमें सूजन आ जाती है और वहाँ पर आपको गोइटर डेवलप हो जाता है। अगला जो कारण होता है वो होता है थायराइड कैंसर। यदि आपकी थायराइड ग्लैंड में अगर कैंसर हो गया है तो कैंसर के कारण भी आपको वहाँ पर सूजन आ जाती है, लेकिन यह बहुत ही रेयरली देखने को मिलता है। ऐसी कंडीशन में जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो उसकी एक FNAC करवा के देखते हैं कि इसमें कहीं कैंसर तो डेवलप नहीं हो गया है। इसके बाद में जो कारण होता है वो होता है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान भी जब SCG का सिक्रीशन ज़्यादा होता है इसकी वजह से भी जब हार्मोनल बदलाव होते हैं उसके कारण वहाँ पे आपको गोइटर बन जाता है। एक और जो कारण होता है वो होता है थायरॉयडाइटिस। थायरॉयडाइटिस यानी थायराइड ग्लैंड के अंदर जब इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो उस इन्फ्लेमेशन के कारण भी वहाँ पर आपको थायराइड ग्लैंड में स्वेलिंग आ जाती है और वहाँ पर आपको गोइटर बन जाता है। दोस्तों यह इसके कुछ मुख्य कारण हैं जिसकी वजह से आपको गोइटर या थायराइड ग्लैंड में आपको सूजन आ जाती है। दोस्तों ये तो बात हो गई इसके कारण की, अब हम बात करते हैं कि किन लोगों को ज़्यादा खतरा होता है गोइटर डेवलप होने का। दोस्तों वो लोग जो ऊंचाई में रहते हैं जिनके खाने में आयोडीन की कमी होती है उन लोगों को सबसे ज़्यादा खतरा होता है गोइटर डेवलप होने का। इसके बाद में 40 एज के बाद में जो लोग होते हैं उनको खतरा ज़्यादा होता है गोइटर डेवलप होने का। स्पेशली फीमेल्स की बात करें तो फीमेल्स में ज़्यादा चांसेस होते हैं गोइटर के। इसके साथ साथ प्रेगनेंसी के कारण या मेनोपॉज की कंडीशन जो होती है उसके कारण भी उनको गोइटर डेवलप हो जाता है। इसके साथ साथ कुछ मेडिसिन के कारण भी गोइटर डेवलप हो जाता है। तो अब हम बात करते हैं इसके इन्वेस्टिगेशंस की। अगर आपको गले में सूजन है तो आप कैसे पता लगाएंगे कि कहीं आपको गोइटर तो नहीं है। इसके लिए कुछ इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो कुछ करवा के देखते हैं इन्वेस्टिगेशन। इसमें जो मुख्यतः होता है वो होता है आपके ब्लड की जाँच होती है जिसके अंदर देखते हैं कि कहीं आपको थायराइड में कोई विकार तो नहीं है, थायराइड ग्लैंड में कहीं हाइपर या हाइपोथायरॉयडिज्म तो डेवलप नहीं हो रहा है। इसके साथ साथ वो आपके गले की एक सोनोग्राफी या जिसको अल्ट्रासाउंड बोलते हैं वो करवा के देखेंगे। अगर उनको लगेगा तो हो सकता है वो आपको FNAC या बायोप्सी भी करवा के देखें। यह कुछ जांचें होती है जो साधारण जांचें होती है जो इस कंडीशन में करवा के देखी जाती है जिससे पता लगता है कि कहीं आपको गोइटर तो डेवलप नहीं हो रहा है। अब हम बात करते हैं इसके टाइप्स की। दोस्तों इसमें मुख्यतः इसके 3 प्रकार पाए जाते हैं। सबसे पहला होता है कोलॉइड गोइटर। कोलॉइड गोइटर वहाँ देखने को मिलता है जहाँ पर खाने में आयोडीन की कमी होती है। अगला जो टाइप होता है वो होता है इसका नॉन टॉक्सिक गोइटर। नॉन टॉक्सिक गोइटर यानी आपका थायराइड जो ग्रंथि है वो साधारणतया काम कर रही है, उसका फंक्शनिंग नॉर्मल है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको अगर गोइटर डेवलप हो गया है तो उसको बोलते हैं नॉन टॉक्सिक गोइटर। दोस्तों अगला जो तीसरा टाइप होता है वो होता है टॉक्सिक गोइटर, जिसको नोड्यूलर या मल्टी नोड्यूलर गोइटर भी कहते हैं। दोस्तों इसमें क्या होता है कि आपके गले में एक या एक से ज़्यादा नोड्यूल्स बन जाती है और आपका जो थायराइड ग्लैंड होता है उसको उसमें थायराइड का जो हार्मोन उसका प्रोडक्शन बढ़ जाता है जिसके कारण आपको हाइपरथायरॉयडिज्म की कंडीशन डेवलप हो जाती है। दोस्तों ये इसके कुछ टाइप्स हैं। अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट पार्ट की। दोस्तों अगर आपको गोइटर है तो आप जब डॉक्टर के पास जाएंगे हो सकता है वो आपका सर्जरी का आपको रिकमेंड करे, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा अगर आपको गोइटर है तो एक बार आप होम्योपैथी जरूर लें, किसी होम्योपैथिक चिकित्सक के संपर्क में आकर उनसे गाइडेंस में प्रॉपरली ट्रीटमेंट लें तो आपको हो सकता है आपको सर्जरी की जरूरत ना पड़े, आपका गोइटर ठीक हो सकता है। लेकिन आप कोई भी मेडिसिन लें, यहाँ पे जो मैं आपको बताते हैं वह आपकी जानकारी के लिए होती है, सेल्फ मेडिकेशन ना करें। अगर आप डॉक्टर की गाइडेंस में ट्रीटमेंट लेते हैं तो आप गोइटर से बिना ऑपरेशन के भी आप मुक्ति पा सकते हैं। दोस्तों चलिए हम बात करते हैं इसके कुछ ट्रीटमेंट की। दोस्तों इसमें होम्योपैथी बहुत अच्छी अच्छी दवाएं हैं। सबसे पहली जो मुख्य दवा है जिससे आपको ट्रीटमेंट स्टार्ट करना होता है वो है इसकी आयोडम 1M। आयोडम 1M को आपको 15 दिन में एक बार देना होता है। आप मान लीजिए 1 तारीख को दिया है आपने, 3 बूंद डायरेक्ट जीभ पर दें, उसके बाद वापस इसको आपको 15 तारीख को आपको वापस इसको रिपीट करना होता है, वापस 3 बूंद डायरेक्ट टंग पर। इस तरह से इसको आयोडम 1M को लेना होता है। अगली जो दवा है वो है कैल्केरिया कार्ब 200। कैल्केरिया कार्ब 200 में अगर आपका वजन बहुत ज़्यादा है, आप ओबेज हैं, उसके साथ साथ आपके सर पे पसीना आता है, आपको वैसे भी पसीने की अगर ज़्यादा टेंडेंसी है तो वहाँ पर कैल्केरिया कार्ब बहुत अच्छा काम करती है। कैल्केरिया कार्ब 200 को दिन में सिर्फ एक बार देना होता है, 3 बूंद डायट जी पर, आप चाहे मॉर्निंग में चाहे इवनिंग में, आप कोई भी एक टाइम आप इसको फिक्स कर लें। उसके बाद में जो दवा है जो अगली वो दी जाती है वो है कैल्केरिया फ्लोर 6X वहाँ दी जाती है जहाँ पर आपको गोइटर में आपको बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है और उसके साथ साथ आपको पेन होता है गले में, अगर उस कंडीशन में आपको कैल्केरिया फ्लोर 6X अच्छा काम करती है। कैल्केरिया फ्लोर 6X को देने का तरीका है 4-4 गोली दिन में 3 बार डायरेक्ट टंग पर। इसके बाद में जो दवा है वो है थुजा 200। थुजा 200 को वीक में एक डोज देना होता है आपको। जहाँ कहीं भी बॉडी में स्वेलिंग आ जाती है, ओवरग्रोथ हो जाती है, वहाँ पर आपको थुजा आपका मैं कहूँगा एक मुख्य दवा है जो स्पेसिफिक काम करती है। थुजा 200 को वीक में केवल एक डोज देना होता है आपको, कोई भी आप एक डे फिक्स कर सकते हैं, चाहे संडे या आप मंडे या वेनेसडे, जो भी आप जिस दिन देते हैं वापस उसी दिन आपको रिपीट करना है। 3 बूंद डायरेक्ट जी पर आपको इसको लेना होता है। अगली जो दवा है दोस्तों वो है इसकी
थायरोडिनम 30, थायरोडिनम 30 को लेने का तरीका है 3-3 बूंद डेट जी पर दिन में 3 बार। यह आपको थायराइड में अगर आपको गोइटर है तो उस कंडीशन में थायरोडिनम 30 बहुत अच्छा काम करती है। इसके साथ साथ एक और मेडिसिन है जो है स्पॉन्जिया 30, वो भी मैं कहूँगा एज ए इसकी स्पेसिफिक दवा है। स्पॉन्जिया 30 को लेने का तरीका है 3-3 बूंद डेट जी पर दिन में 3 बार। एक मेडिसिन दोस्तों, अगर आपको ओबेसिटी है और उसके साथ साथ आपको एक्सोथैल्मिक गोइटर बन गया है, यानी आपकी अगर आंखें सूज गई है, आपकी बाहर आ गई है, आपको हाइपरथायरॉयडिज्म है, उस कंडीशन में आपको फ्यूकस वेसिकुलस आपको बहुत अच्छा काम करती है। फ्यूकस वेस को आपको मदर टिंचर देना होता है, इसको 10-10 बूंद दिन में 3 बार आधे कप गुनगुने पानी के साथ में दिया जाता है। दोस्तों यह कुछ मुख्य मेडिसिन है जो कि अगर आपको गोइटर है तो गोइटर में काम में ली जाती है। इसके अलावा और भी मेडिसिन होती है जो एज पर सिम्टम और एज पर आपके इंडिकेशन आपको देते हैं। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपकी पूरी केस चेकिंग लेते हैं, आपको क्वेरी करते हैं, आपसे कुछ सवाल करेंगे, उसके अकॉर्डिंग वो और भी कुछ मेडिसिन की ज़रूरत है तो वो आपको इसमें ऐड करते हैं। दोस्तों इसलिए हमेशा कोई भी मेडिसिन लें चिकित्सक की सलाह अनुसार ही लें। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आज मैंने आपके साथ में जो भी जानकारी शेयर की है आपको ये पसंद आई है और आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि मैं जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड करूँ आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ सके। जय हिंद।